टुकू कैसे बैठा? भाई मैं एक अनाथ हूँ, मेरी अलना कोई खेलता आज खेल लेगी। अरे भाई तू कुछ चिंता कर रहा है, हम ना तेरी अलम खेल लेगा, आजा। आ चलो चलो। रे तुम स्कूल ना गए रे? ए रे तू कौन है? चल तू भी अपने घर को। अजी मैं तो अनाथ हूँ, मैं तो मेरे में नहीं रहता। अनाथ है? चलो रे देव स्कूल को, चलो बैग उठाओ जा। बाबूजी मुझे भी ले चलो। ठीक है बेटा, तू आज से हमारे साथ ही रहेगा। लाला जी पर्ची पे लिखा सारा सामान दे दो। सामान तो मैं तुझे दे दूंगा, अब तेरे घर में खाना भी बन जाएगा। पर तू एक बात बता, मेरे घर में खाना कब बनेगा? अब मंत्र मार के। लाला अपनी उम्र का तो ख्याल रखो, आपकी बेटियां भी ना मेरी उम्र से बड़ी हैं, और आप इस उम्र में इश्क लड़ा रहे हो। आपके इश्क का भूत ना मैं अभी के अभी उतार दूंगी। अगर ऐसी बात है तो पकड़ अपना ये फर्रा, अब पिछले पैसे तो मेरे दिए नहीं, आगे उधार लेने। अगर लाला ऐसे ही उधार देता रहा तो एक दिन ऐसा आवेगा कि लाला को दूसरे के सामने भीख मांगनी पड़ेगी। दे दो अल्लाह के नाम पे, दे दो भगवान के नाम पे, मंत्र मार के। लाला जी इतने कठोर मत बनो, घर में खाने को उनका एक दाना भी नहीं है। अब तो मैं क्या करूं? अजीब तू ही मेरी बात नहीं मानती, अब तो मैं ही तेरी बात क्यों मानूं मंत्र मार के? लाला जी कुछ तो रहम करो। ठीक है कर दिया रहम, चल चल आ भीतर को आ, देऊं तुझे सामान मंत्र मार। अरे लाला ये क्या बदतमीजी है? बेटा देव बदतमीजी ना, अब मैं तो बरखा को अपना गोदाम दिखाऊं था, अब भीतर ले जाके मंत्र मार के। ओ लाला ये लड़की को सामान दे दे। देऊं बेटा देऊं, दे बेटा लोग नू कहवे अगर बिना दाब के रस ना निकलता। आज तो तन्ने लाला को बिल्कुल निचोड़ दिया मंत्र मार के। ला दे लाली पर्चा दे, तुझे सामान देऊं मंत्र मार के। ले अपना पर्चा लिख दूंगा लाली मैं। यू चौधरी का लौंडा भी ऐसे गलत टेम पर आवे, इसकी शिकायत इसके दादा तक करूंगा मंत्र मार के। धनिया आराम से पढ़ो, मंडी में बहुत अच्छा रेट चल रहा है, बाल को तुम्हें पता ना है, करके खा लो कुछ। बेटा मैं बहुत दुखी और बहुत गरीब हूँ, मुझे तुम्हारे खेत में कोई काम मिलेगा? आंटी जी आपके लायक हमारे खेत में कोई काम नहीं, हम तो खुद ही कर लें। अरे बेटा देव ये तू किससे बात कर रहा है? दादाजी ये बेचारी हमारे खेत में काम करना चाह रही। अरे लाली तू काम कहीं और ढूंढ लिए, हमारे यहाँ ना काम, हम तो अपने आप कर लें। चौधरी साहब मैं एक शहीद फौजी की विधवा हूँ और मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम मुझे काम दे दो, मुझे काम की बहुत जरूरत है। क्या तुम वीर वधू हो? हाँ जी मेरे पति फौज में थे सूबेदार, और उनके पिताजी का नाम रोशन चौधरी था। अरे बेटी फिर तो तुम्हारे घर की लक्ष्मी है।
क्योंकि रोशन चौधरी तो मेरे बहुत खास अजीज दोस्त थे। दादाजी ये आंटी कौन है? बेटी सुशीला, ये मेरा छोटा पोता है और जिद्दी भी बहुत है, क्योंकि छोटा है ना। दादाजी अब भी साहब के सामने मेरी बेइज्जती कर देते हो। अरे बेटा बेइज्जती भी उसकी हो जिसकी कोई इज्जत हो, मतलब आपकी नजर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। दादाजी आप सबकी नजरों में मेरी तो इज्जत है ना। अरे क्यों नहीं बेटा, तू भी तो मेरे जिगर का टुकड़ा है ना। मेरे दादाजी। अरे आंटी जी घर पे नहीं है क्या? अच्छा जी, मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे घर तक आ गए। हाँ माँ आपसे नहीं मिलने आया, मैं आंटी से मिलने आया हूँ। माँ से? ठीक है बुलाती हूँ। माँ माँ जरा इधर आना। अरे देव बेटा तुम। आंटी जी आज खेत में बहुत काम है और दादाजी ने आपको बुला। अच्छा बेटा आज मेरी तो बहुत तबीयत ज्यादा खराब है, अगर ज्यादा काम है तुम बरखा को ले जाओ आज। ठीक है माँ मैं जाती हूँ। ठीक। कई बेर कह ली रे सुसरे इसकी फेंक के नाल बिना बदलते। अरे बेटा देव यू कौन है? दादाजी ये सुशीला आंटी की बेटी है बरखा। अच्छा। उन्हें बहुत तेज बुखार हो रहा है और अपनी जगह काम करने के लिए भेजी। चौधरी साहब राम राम। राम राम बेटी राम राम जीती रहे। चल ठीक है पर देव शर्मा जा कुछ, तेरा बड़ा लोकगढ़ हो रहा, सारा काम तो ना दादा के ऊपर छोड़ दिया। के भी कहली चल सारी नाल चुए सरा जा के बदल ला से नहीं लिया, पर तेरा ही नहीं होती। दादाजी क्या बात होगी जो आज इतना भड़क रहे मेरे पे? अरे भड़कू क्यों ना, सब दिन चंगे त्योहार के दिन नंगे। अरे पड़े में पानी करना था, ईख बोने को लेट हो लग रहे हैं। ट्यूबवेल चलाई तो सारा पानी निकट गया नाल में को। कई बेर कह ली मगर इसे बदल लो पर थर आई नहीं होती, जा हिला कर ले जाके। ठीक है और मैं गांव में जा रहा हूँ ट्रैक्टर लेके सोसाइटी पे था खाद लाना मुझे, और आता हुआ थारी रोटी भी लिया हुआ। जाओ अब खड़े ना रहो यहाँ। ससुरे ने जी के रखे बुढ़ापे में। सुनो ना हम ऐसे छुप छुप के कब तक मिलते रहेंगे? तुम्हें पता ना हमारे दादाजी कितने खड़ूस हैं। तो क्या हमारी शादी कभी नहीं होगी? नहीं होगी तो भाग जाएंगे। हमेशा मजाक करते हो ना, हमेशा मजाक करते हो। चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। ठीक है बताओ कहाँ जाना है? उधर 12 पे चले क्या? ठीक है दादाजी भी देख लेंगे। हाँ मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मुझे तो दादाजी से बहुत डर लगता है। डर तो मुझे भी लगे क्या करूं? तुम भी डरते हो? बिल्कुल। आज तो कोई ग्राहक ही ना आ रहा, अब मजा लगे अब बिल्ली लौट की दिखे अब अंतर मार के। लाला जी राम राम। राम राम भाई राम राम, अब मंत्र मार के। अरे लाला जी मंत्र बाद में मारियो, पहले मुझे खाने पीने का सामान दे दो। अब पीछे लाया अब मंत्र मार के।
पीछे ना देते हैं हम। और उधार सामान ना देता मैं अमंतर मार के। ये चिप्स दे दो। लाओ। ए, हाथ तोड़ दूंगा बाट मार के। तू जानता ना हमें, हम दादाजी के पोते हैं। क्या कर रहे हैं आदम? देख ले बेटा देव, ये दोनों मेरी गैल बदतमीजी कर रहे हैं। चलो भाई यहाँ से। दादाजी से शिकायत करूंगा। लाला का तो फ्री का माल आ रहा, आ जाओ ले जाओ, लूट लो, ले जाओ सारा माल। लाला तो फ्री का दे रहा, नुना दूं मैं, करूंगा शिकायत करूंगा थारी दादाजी से मंत्र मार के। और ये कौन लड़की है? अरे वाह, कितनी सुंदर लड़की, हमारी कुड़ी पर किसका कूड़ा डाल रही है? ए लड़की, ये किसके घर का कूड़ा हमारी कुड़ी पर क्यों डाल रही है? चलो। हे लड़की, ये किसके घर का कूड़ा हमारी कुड़ी पर क्यों डाल रही है? ये चौधरी साहब के घर का कूड़ा है। आज से पहले तो मैंने देखा ना तुम्हें कहीं। पहले तू बता कि तू कौन है। मैं चौधरी साहब का छोटा पोता हूँ, राज। अच्छा तो ये चौधरी साहब का छोटा पोता है, इसका मतलब ये बनेगा मेरा छोटा देवर। चलो आज इससे मजे लिए जाए। क्या सोचने लगी? यही सोच रही हूँ कि इतना जवान, इतना सजीला, तो चौधरी साहब का पोता ही हो सकता है। तुम भी तो बहुत खूबसूरत हो, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा वही नाम है जो सावन के महीने में आकाश से धरती पर आती है। बारिश? अरे पागल, इसका नाम वर्षा है। अरे नहीं बुद्धू, मेरा तो दूसरा ही नाम है। क्या नाम है आपका? अरे मुझे जाने दो, नहीं तो चौधरी साहब मुझे डांटेंगे। फिर तो तुम्हारा नाम बरखा ही हो सकता है। अच्छा, आदमी तो तुम समझदार लगते हो, पर अब मुझे जाने दो, नहीं तो चौधरी साहब मुझसे नाराज हो जाएंगे। अरे जाते जाते ये तो बता दो, फिर कब मिलोगी? अपने ही घर पे मिल लेना। ओफो। सुशीला, बरखा, मैं चौधरी साहब कैसे सुबह सुबह रही? ऐसा तो क्या करे, कल खेत पे गई थी जो चौधरी साहब यहाँ आ गए। माँ मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। चल ला मैं देखू क्या कहना है, कुछ तो करी आई होगी। ए लाली सुशीला, बाहर को आइए। आज चौधरी साहब आप चौधरी साहब राम राम। राम राम, भगवान तम दोनों माँ बेटी को खुश रखे। आप बैठो, मैं आ रही हूँ अभी। ठीक है बेटा। चौधरी साहब जी, लो पानी। अजय चौधरी साहब कल बरखा खेत पर गई थी, ऐसा क्या कर दे जो आपको यहाँ लाना पड़ा? बेटी सुशीला, बरखा ने ऐसा काम कर दिया कि मुझे उसके लिए यहाँ आना पड़ा। और हाँ, मैं ये बताने आया हूँ, आज से तुम्हारा और बरखा का हमारे यहाँ जाना बिल्कुल बंद। चौधरी साहब आप ये क्या कह रहे हो, तुम्हारे सहारे से तो मैं दो वक्त की रोटी मिलने लगी, और तुम ऐसा कर दोगे हम तो भूखे मर जाएंगे दोनों में बेटी। ना ना, हर इन बातों का मेरे पे कोई नहीं असर होने वाला। चौधरी साहब राम राम। राम राम। चौधरी साहब चाय ले लीजिए। ना बेटा, आज के बाद मैं थारे घर का कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा। चौधरी साहब
जो भी बरखा सा गलती हुई हो हमें माफ कर दो, उसकी तरफ से मैं माफी मांग रही हूँ। हमें माफ कर दो चौधरी साहब, हमें माफ कर दो चौधरी साहब, हमें माफ कर दो चौधरी साहब, हम कहाँ जाएंगे। अब तुम दोनों एक काम करो, जो भी थारा जरूरी सामान है उसे लेकर यहाँ से निकल लो। अरे चौधरी साहब आप ये क्या कह रहे हो, मैं घर को छोड़ के कहीं नहीं जाने की, ये मेरे पति की आखिरी निशानी है, मैं डोली मारी थी और अट्ठी पे ही जाऊंगी इस घर से। रे सुशीला, जब तू अपने पति की निशानी को इतना सम्मान देती है तो अपने पति को कितना सम्मान देती होगी। चौधरी साहब आप क्या कह रहे हो, मैं कुछ समझी नहीं। अरे सुशीला तू घबरावे ना, मैं बेटी बरखा का हाथ अपने बेटे देव के हाथ में देना चाहता हूँ। मगर चौधरी साहब। अरे तुम्हारी अगर मगर कुछ नहीं चलेगी, अगर चलेगी तो देव की शादी की आतिशबाजी चलेगी। बरखा मुझे घर से एक बात करनी है। हाँ कहो। मुझे देखा नहीं जाता, पूरा पूरा दिन काम करती रहती है तू, बस कर। अरे मेरा तो ये काम ही है। पागल तुझसे मोहब्बत करता हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। बरखा मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, सीरियसली। देखो राज तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, ठीक है। मैं देव से प्यार करती हूँ, तुम्हारे भाई से, और तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, समझे। और दोबारा मुझसे ऐसी कभी बात मत करना। देव देव देव, उस देव को तो देख लूंगा मैं, जान से मारूंगा उसे मैं। तक कौन है तू? राज तू राम जादे क्यों मारना चाह रहा तू देव को? हाँ मारना चाहता हूं मैं इसे, क्योंकि बरखा से प्यार करता हूं मैं, और ये मारे बीच में दीवार बन के खड़ा है। बरखा और मेरे बीच में जो भी आएगा उसे मैं खत्म कर दूंगा, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो। चला जा मेरी आंखों आगे थे राम जादे, देख रहा तू इसे, इस राम जादे ने एक लड़की के प्यार के चक्कर में अपने बाप समान भाई को मारना चाहा। तू भी बहुत ही मात लेता इसकी। बेटा ठीक तो है तू? हाँ दादाजी। अरे आप क्यों बनाने लगे रोटी? मुझे माफ कर दीजिए, वो माँ की तबीयत खराब थी ना, इसलिए उन्हें डॉक्टर के पास लेके गई थी तो देर हो गई। नहीं आज ही आप बना दोगे, रोज तो मुझे ही बनानी है। अरे आप हटिए मैं बनाऊंगी, आप हटिए। नहीं एक काम करते हैं, आप बना दो मैं सेक दूंगा। ठीक है ठीक है। अरे हाथ जला लिया ना, दिखाओ मुझे, दिखाओ जल गया ना। अरे बरखा बेटा क्या हुआ? वो चौधरी साहब इनका हाथ जल गया। बरखा बेटा तू इधर आ, मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। जी चौधरी साहब। बरखा बेटा मुझे तेरे से एक बात करनी है। जी बोलिए। बेटा तू मुझे सच सच बता, क्या तू हमारे पोते राज से प्यार करती है? नहीं तो चौधरी साहब। तो मैंने क्या सुना है? जी वो एक गलत फहमी है, मैं राज से नहीं आपके बड़े पोते देव से प्यार करती हूँ। ठीक है बेटा अब तू घर जा, मैं घर आकर तेरी माँ से बात करता हूँ। ठीक है। दिखा दी अपनी औकात, या तुम्हारी भाभी है
अरे मारो इसे। छोड़ दो मुझे, मत मारो, छोड़ दो इसे, ये तुम्हारा भाई है, मत मारो, छोड़ दो, छोड़ दो, मत मारो। बचाओ, कोई है, मत मारो। अरे वो तुम्हारा बड़ा भाई है, उसे मत मारो। बेटा दे छोड़ दे, मैं बताऊं से तो नलाक यू के काम करा था ना, चला जा मेरी आंखों आगे था, तुझे आज मैं अपनी जायदाद से बेदखल कर रहा हूँ, चला जा जा। मेरी बच्ची ठीक तो है, कुछ हुआ तो ना तुझे, ठीक है तू? अरे मेरी बच्ची बस चुप हो जा। बेटा बरखा ठीक तो है तू? जी। सुशीला मैं इस नलाक पोते की गलती के लिए माफी मांग रहा हूँ तेरे से। कोई बात ना चौधरी साहब, एक आदत न लायक हो गई है कुनुए में। बेटा सुशीला आगे कोई ऐसी भूल और गलती ना हो, और जो हमने फैसला लिया था इनकी शादी का, क्यों ना आज ही बरखा का हाथ देव के हाथ में दे दिया जाए। मैं भी चौधरी साहब यही चाहूंगी। क्यों लाला जी कैसा? चौधरी साहब यू तो तुमने सुनने पर सुहागा कर दिया मंत्र मार के।